पूजा करनी चाहिए ये बताया, राशि के मुताबिक अब एक बार जान लेते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, कौन से वो मंत्र है, कौन सी वो पूजा है और कौन सी वो चीज है जो आपको खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन, ताकि आप भी मालामाल हो जाए और भगवान कुबेर आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो पूजा जी का रुख करते हैं और आप बताइए जल्दी से जल्दी राशि के साथ में कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए धनतेरस के दिन। देखिए 12 राशियों में शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि के जितने भी जातक है, देखिए मेष राशि का स्वामी मंगल है और उसका कलर होता है लाल नारंगी कलर, तो ऐसे में आप रेड कलर की चीजें, अगर आप वस्त्र खरीदने जा रहे हैं तो लाल रंग के नारंगी रंग के वस्त्र खरीदें, साथ ही आप मूंगा खरीद सकते हैं, रेड कोरल जो होता है आप उससे रिलेटेड जितने भी ज्वेलरी आइटम्स हैं वो खरीद सकते हैं। साथ ही मंगल जो होता है भूमि पुत्र भी माना जाता है, तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये दिन बहुत शुभ है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप रेड कलर की ज्वेलरी, आप जो है तांबे के बर्तन ले सकते हैं, अगर आप बर्तन लेना चाहते हैं तो मेष राशि वाले तांबे के बर्तन अवश्य लें। और सोना चांदी तो देखिए लोग खरीदते ही हैं, लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो आप तांबे की या फिर पंचधातु की मूर्ति भी खरीद सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की, जो दूसरी राशि है। वृषभ राशि के स्वामी जो है हमारे शुक्र हैं, तो शुक्र से संबंधित चीजें जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम, ज्वेलरी आइटम आप खरीद सकते हैं, आप अमेरिकन डायमंड्स खरीद सकते हैं, डायमंड खरीद सकते हैं, व्हाइट ओपल खरीद सकते हैं, आप जो है सिल्वर या पिंक कलर की कोई भी आइटम खरीद सकते हैं। और हम कोई वाहन, अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो शुक्र का जो होता है कि हम वाहन भी खरीद सकते हैं, दिन बहुत ही शुभ रहेगा। और इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीद सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि, जो तीसरी राशि है। तीसरी राशि जो है हमारी बुध स्वामी है तीसरी राशि के, तो इसमें हम हरे रंग की चीज़ें खरीद सकते हैं, कोई भी हरे रंग के कपड़े हम साथ में हम एमरल्ड खरीद सकते हैं, हम जो है ग्रीन एवेंचूरियन, अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें जेड खरीद सकते हैं ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीद सकते हैं, कुछ ना कुछ देखिए विद्या से संबंधित सामान हम खरीद सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं बहुत टाइम से, तो आप लैपटॉप खरीद सकते हैं जो आपकी विद्यादायक भी होता है, जिसमें आजकल मॉडर्न ज़माना है, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क राशि की बात करें तो देखिए कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा है, तो आप चांदी खरीदिए, जितने भी कर्क राशि वाले हैं उनके लिए चांदी खरीदना बहुत शुभ है, आप चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीद सकते हैं, सिल्वर कलर की आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं या फिर आप सिल्वर कलर के कपड़े खरीद सकते हैं। और आप ऐसे में कर्क राशि वाले जो है चावल जो है जो खड़े अक्षत जो होते हैं ना वो आप जरूर खरीदिए, क्योंकि अक्षत जो होता है साबुत अक्षत अगर आप खरीदते हैं दिन तो बहुत ही शुभ होगा। चलिए बांदा जी आपसे मैं जान लेती हूँ जो अगली चार राशियां हैं सिंह, कन्या, तुला और वृषभ, इन राशि के जातकों को क्या खरीदना चाहिए धनतेरस पर। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी जो है वो सूर्यदेव है, तो सिंह राशि वालों आप लोग जो है आज के दिन सोना खरीद सकते हो, आप आज के दिन पीतल भी खरीद सकते हो, आप आज के दिन टाइगर आई भी खरीद सकते हो, जो सिंह राशि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें जीवन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। आप आज के दिन जो है कुछ भी रेड कलर का खरीद सकते हो, आप रूबी खरीद सकते हो, आप रेड टाइगर आई जो है वो भी खरीद सकते हो, रेड कलर की अपने लिए ड्रेसेस खरीद सकते हो। सूर्यदेव का जो रंग होता है वो नारंगी और गोल्डन होता है, तो आज के दिन एनीथिंग जो आपको गोल्डन कलर के सूर्यदेव भी जो है वो भी आप खरीद सकते हो, इस डायरेक्शन में लगा सकते हो, तो ये सारी चीजें जो है खरीद सकते हो, रेड कलर की मिठाई जो है वो भी आप आज के दिन ले सकते हो। आ जाते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि वाले लोग आप लोग जो है ग्रीन जेड खरीद सकते हो, एमरल्ड खरीद सकते हो, आज के दिन आप पेरीडॉट खरीद सकते हो, हरी साड़ी खरीद सकते हो, आप थोड़ा सा क्योंकि आज धनतेरस का दिन है तो सोना चांदी हीरा जो भी आपकी समर्थता है आप अपनी राशि के हिसाब से भी खरीद सकते हो, बट इन जनरल अगर हम बोले तो आप गोल्ड खरीद सकते हो आज के दिन। तो इसके अलावा जो है ये सारी चीजें हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, हरा श्रृंगार जो है ये सारी चीजें आप आज के दिन खरीद सकते हो। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन आप जो है कुछ भी डायमंड खरीद सकते हो, अमेरिकन डायमंड खरीद सकते हो, आप आज के दिन चांदी खरीद सकते हो, चांदी के सिक्के खरीद सकते हो, ये सारी चीजें खरीद सकते हो। कलर आपके लिए आज मैं आपको व्हाइट नहीं बोलूं क्योंकि त्योहार का दिन है, तो आप पिंक और सिल्वर के शेड्स जो है आप आज के दिन वेयर कर सकते हो। माँ के लिए जो आप कोई सफेद मिठाई जिस पर कोई चांदी का चरक चढ़ा हो आप वो भी ले सकते हो। और इसके अलावा जो है आप मखाने की खीर आप अगर आज माँ के लिए आप बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा
वृश्चिक राशि के स्वामी हैं जो मंगल है, आप आज के दिन जो है कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई भी रेड कलर में। आप जो है कार्निलियन खरीद सकते हो, रेड जैस्पर खरीद सकते हो, आप आज के दिन मोंगा खरीद सकते हो, पीतल खरीद सकते हो, तांबा खरीद सकते हो, ये सारी चीजें जो है आप गोल्ड भी आज के दिन ले सकते हो, चांदी भी ले सकते हो, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। बट मेन जो आपका बेस कोर कलर है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है, तो आप एनीथिंग इन रेड जो है वो आप आज के दिन जरूर खरीदें। तो अब ज्योति जी का रुख कर लेते हैं, जो कि आपको बताएंगी कि अगर आपका धनु मकर कुंभ और मीन राशि है तो आपको क्या कुछ खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। देखिए धनतेरस के लिए पहले तो एक जनरल रूल मैं बता देती हूँ कि चाहे आपकी कोई भी राशि हो, आज के दिन सोना चांदी खरीदना तो शुभ होता ही होता है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार नहीं ले पा रहे हैं कुछ, तो आप सोना चांदी का कुछ भी आप ले लेते हैं तो आज आपका शगुन तो हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये है। चलिए अब बात करते हैं बाकी चार राशियों की। सबसे पहले धनु राशि की, तो अगर आपकी है धनु राशि, तो धनु राशि वाले आज के दिन खरीदें हल्दी के कलर का कुछ भी, हल्दी कलर कुछ भी, या फिर केसर, केसर लीजिए आज के दिन, केसर खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। केसर खरीदिए और उसे अपने भोग लगाइए, केसर का तिलक लगाइए, और हो सके तो अपने घर में केसर की खीर बनाइए आज के दिन। तो अगर आप केसर का जितना प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी देखिए, क्योंकि गुरु और शनि का जो वक्री जो भी इस समय चल रहा है, ट्रांजिट चल रहा है, उसमें भी लाभ होगा, और आने वाले भी, क्योंकि अभी जज केसरी योग भी लगा था तो उनको बहुत लाभ होने वाला है, मकर राशि बहुत लाभ होने वाला है। तो मैं आप लोगों के लिए यही सलाह दूंगी कि आप कुछ पीले रंग के चीजें खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा आज के दिन। आप जो है धन, खास करके धनु राशि वालों के लिए बोलूं, स्पेकुलेशन में उनको लाभ होने के चांसेस बनते हैं। अच्छा। अगर आप मतलब ताश खेलते हैं, जैसे माना जाता है ना कि दिवाली के आसपास लोग दिवाली पार्टीज में खेलते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होके खेलेंगे तो आपको लाभ होगा। ये एक मतलब इसे जुआ नहीं बोला जाता, ये शगुन की तरह खेलेंगे। और मकर राशि वालों के लिए कुछ लाभदायी होगा, और मकर राशि वालों के लिए। चलिए अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा शनि वक्री चल रहा है, लेकिन शनि वक्री चलने के साथ साथ मकर राशि को एकदम लाभ देने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित लाभ मिलने के चांसेस हैं। जो रुके हुए काम थे वो बन जाएंगे। तो आपको क्या क्या करना चाहिए आज के दिन, आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि आप खरीदिए कोई भी आभूषण, कोई भी आभूषण जिसमें, देखिए आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें नीले रंग का कोई भी क्रिस्टल ना, क्योंकि सम्मान देते हुए शनि को आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। आप वो नीले रंग का आभूषण ना हो, नीले रंग के वस्त्र ना पहने, लेकिन इसके साथ साथ आप फ्रूट्स खरीदिए और खूब सारी मिठाइयाँ खरीदिए। आप अपने घर में डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म्स अच्छे अच्छे खरीद सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शनि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये आप खरीद सकते हैं। घर में डेकोरेट करने के लिए ना आजकल बहुत सुंदर सुंदर इस तरह के वो आते हैं, दीपक बने हुए आते हैं, मेटल के होते हैं, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो लोग दीवारों पर लगाते हैं आजकल। मैंने मतलब मार्केट फ्लडेड होती है इन चीज़ों से, आप वैसी चीज़ें खरीदिए, आपका घर सुसज्जित भी होगा और एकदम दिवाली की रौनक भी बढ़ जाएगी। तो मकर राशि के बाद अब अगली राशि है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए आज के दिन दान दक्षिणा करना बहुत अच्छा होगा। आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा ना खुले दिल वाले होते हो, जब किसी के लिए कुछ करते हो तो दिल से करते हो, तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए आज के दिन दान दक्षिणा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। देखिए अगर आप अपने पति को मना सके कि आपको नया मोबाइल फोन दिला सके, तो उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन चांदी या सोने का सिक्का जरूर ले ले, और उस सिक्के को उस माँ लक्ष्मी गणेश की उसमें प्रतिमा हो और उसका पूजन करें दीपावली वाले दिन, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, और आप एक आज के दिन कोई भी जो है तांबे का बर्तन भी लीजिए, जो कि पूजा के दिन आप उस दिन इस्तेमाल करें। और आखिरी राशि मीन राशि, राशि का रुख करते हैं। आप लोग सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं मीन राशि वाले, जो वाटर साइन मतलब है आप लोगों का, तो मीन राशि वालों के लिए आज क्या बोला जाए। तो मीन राशि वालों के लिए आज के दिन, जैसा कि मैंने बताया कुंभ राशि, वैसा ही आपके लिए दान दक्षिणा करना बहुत बहुत लाभकारी होगा। आप अपने घर के सभी लोगों के हाथ से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जो बोलते हैं ना कि कच्चा अनाज, ऐसी चीजें इकट्ठी कीजिए,
टच करवाइए उनसे और उनसे बिल्कुल अच्छी भावना से उसे दान कराइए, चाहे किसी मंदिर में या फिर किसी अंध विद्यालय में या किसी नीडी को दान कराइए। ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा और ये होगा सबसे बड़ा दान आज के दिन। और इसके अलावा आज आपके लिए कोई मकान की डील करना अगर आप सोच रहे थे काफी समय से, तो आज के दिन आप डील कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी में हाथ डालना आपके लिए अच्छा होगा आज के दिन। और एक चीज और, आज के दिन फर्निशिंग खरीदना काफी अच्छा होगा घर में। अगर आप सोच रहे थे कि पर्दे लगा ले चादरें ले आए और मतलब अपने तकिए चेंज कर ले, वैसे तो तकिए हर 6-7 महीने बाद चेंज कर लेने चाहिए हाइजीनिक के लिए, आप अपने घर के तकिए चेंज कर दीजिए, कुशन कवर चेंज कर दीजिए, इस तरह की चीजें करिए, ये बहुत लाभकारी होगा। सोने चांदी के सिक्के तो आप ले सकते हैं, लेकिन पूजा जी सामान तो ले आए, जैसे उन्होंने आप तीनों ने